स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एग्रील कैरियर यूट्यूब चैनल पे। मैं देवेंद्र पटेल। कृषि कुंभ मेला 2018 जो लखनऊ में हुआ था उसमें काफ़ी चहल पहल रही थी, काफ़ी वहां पे व्यवस्था थी और यहां पे जो है सबसे मशीनों में सबसे अगर आकर्षण का केंद्र रहा तो वो है गन्ने की कटाई की मशीन। जी हाँ, शुगर केन हार्वेस्टर, यह शक्तिमान कंपनी का है। मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात भी की, हालांकि मैं उनका आवाज़ नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा था, लेकिन उन्होंने जो कहा मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे वहाँ गन्ने की कटाई सिर्फ लेबर से होती है और छोटी मोटी मशीनें जो आ जाएँ वो काटने के लिए गन्ना, पर उसमें आदमी चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस मशीन को खरीदने के बाद यह सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह गन्ना एक ही बार में काट भी देता है, उसका अगोला भी काट देता है, यानी जो केन टॉप होता है उसको भी काट देता है जो चारे के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको बढ़िया से थ्रेशिंग करके उसका बढ़िया से प्रोसेसिंग करके गन्ने को टुकड़े टुकड़े में काट के ट्रॉली पर लोड भी कर देता है। यह काफ़ी आकर्षण का केंद्र इसलिए बना रहा क्योंकि यह लोगों के लिए नई चीज़ थी, हालांकि मेरे लिए भी नई चीज़ ही थी, मैंने तो पहले देखा भी नहीं था। इसमें अंदर केबिन में बहुत सारे कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज़ समझ में ज़रूर आया कि भाई ऊपर जो है कि आपको एयर कंडीशनिंग ज़रूर मिलेगी, यह आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है। इसकी कीमत जो मुझे बताई गई है वो है 92 लाख के आसपास, हालांकि 92 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, यह कोई आम इंसान तो खरीद नहीं पाएगा। जो सही है मैं आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन यह जो है कि बहुत ही बेहतर तकनीक है। जहाँ तक कि इस गन्ने की कटाई की बात है तो वो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रेंच मेथड से, अगर आप गन्ना बोते हैं तो उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये है, देखिए अगर आप गन्ना कटाई इससे करवाते हैं तो ये जो सामने आपको ये लोडर दिख रहा है ये उसी से आप डायरेक्शन तय कर सकते हैं कि आपको गन्ने के टुकड़े किधर गिराने हैं, यह आप तय कर सकते हैं। साथ साथ ट्रॉली भी चलेगी ताकि उसमें कटाई के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग भी होती रहे। यह काफ़ी आकर्षण का केंद्र इसलिए बना रहा क्योंकि यह एक नई चीज़ थी सबके लिए, मैं अब बात रिपीट कर रहा हूँ, नई चीज़ थी सबके लिए। तो यह सब था, आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, बहुत कंटेंट शूट हुआ है, मैं तो एकदम थक गया, तो आप लोग कंटेंट देख के मत थकिए, आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, गुड बाय।